ये ड्रीम थे हमारे, और आई थिंक जब से हॉकी पकड़ी है ओलंपिक में जाएंगे और मेडल लेके आना है देश के लिए, और ये सब ड्रीम हमारा दो बार पूरा हुआ है, और बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है मेरे को कि हमने अचीव किया है। और ब्लड भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये बहुत पुराना था जब ये हम लेके आए थे ना, बहुत खुश हुए थे हम। बुलेट नहीं, बुलेट, बुलेट पंजाबी बुलेट कहते हैं, सही बात। खूब चलाया बुलेट आपने? जी जी बिल्कुल, सॉरी बुलेट, बुलेट हाँ जी बहुत चलाया। एक ऐसे खिलाड़ी के बुलेट है जिसके तगमे दो दो तगमे हैं, अच्छा जो पुराने वाले होते थे, हाँ पुराने साल में जो उल्टे गेरू साइड पे। सरपंच साहब की टीम झंडा गाड़ चुकी है, कांस्य पदक आ चुका है, 2020 में भी जीता था, 2024 में भी, और मैं इस समय उनके गांव टिम्मोवाल खड़ा हूं। पहले मैं आपको एक ट्रैक्टर दिखाता हूं, उसके बाद बाकी बात करेंगे। ये वो ट्रैक्टर, और बचपन में हमारे सरपंच साहब भी ट्रैक्टर के शौकीन थे, उनके पिता सरबजीत सिंह भी यहां मौजूद हैं और खुद सरपंच साहब भी यहां मौजूद हैं। पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा सरबजीत सिंह जी, जब हरमन खेतों में आपके साथ जाया करता था ट्रैक्टर चलाना सिखाना, उस समय क्या लगा था कि बेटा मैं खुद किसान हूं तो बेटा भी खेती करे, या आपने कहा था कि नहीं जो दिल करता है वो करना चाहिए? नहीं ये नहीं कहा जो खेती करे जी, जो खेती बच्चा सी जी, ते बच्चे जिद करते होंगे भी पापा नाल जाना डैडी नाल जाना, मम्मी ते जांदा सी, फिर उत्थे जाके शरारत करनिया, फिर कहना डैडी नहीं मैं ट्रैक्टर बोना, फिर थोड़ा चिर मतलब बोन देना। कितने साल की उम्र थी तब ये? लगभग होगी अठ साल की होगी, ज्यादा नहीं मैंने पता, पर गल ये भी पढ़ाई भी ना जरूरी सी, गेम ही जरूरी सी, तो चलो मालक ने गुरु रामदास ने कृपा की, बच्चे तो मेरे पर आस रखा, तो साढ़ा और ट्रैक्टर चला चला के जो हाथ सख्त हुए ड्रैग फ्लिकर बन गया वर्ल्ड नंबर वन। देखो जी एक किसान का बेटा ट्रैक्टर चलावे कई चलावे उसके हाथ से मजबूत ही होते हैं, पंजाबी डोला चनाके लाने। हाँ जी हाँ जी हरमन, बिल्कुल आपके पिता आज मुस्कुरा भी रहे हैं, जरूर बनता भी है। मैं हरमन की इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो शोल्डर है ना कंधे, और ये पावर जो ड्रैग जाती है स्पीड पे, गोल जब तक बनते हैं तब तक कैसे नहीं बनते। और मैं पहले दिखा दूं कि ये जो जीप आप देखे हरमन की थार, पीछे ओलंपिक के जो वो छल्ले होते हैं ना गोल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, घर पे भी लगे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। ये मैं घर पे इसलिए खड़ा हूं कि यहाँ पे आगे एक सुकून अलग मिलता है, घर है वो जहां से पले बड़े, खेतों में जाना, फिर हॉकी एकेडमी जाना, आज इंडिया के लिए दो दो मेडल जीतना। हरमन वो दिन पुराने याद आते हैं? बिल्कुल जी, ये ड्रीम्स है हमारे, और आई थिंक जब से हॉकी पकड़ी है ओलंपिक में जाएंगे और मेडल लेके आना है देश के लिए, और ये सब ये ड्रीम हमारा दो बार पूरा हुआ है, और बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है मेरे को कि हमने अचीव किया है, और इससे बड़ी हमारे लिए कोई बात ही नहीं है। बचपन में जब आप जाते थे डैडी को कहते डैडी मैं ट्रैक्टर चलाना है, ट्रैक्टर पे चढ़ गए जैसे बच्चे जिद करते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल जी, हम दोनों भाई ऐसे ही थे, और स्कूल से आते थे और भाग जाते थे डैडी के साथ ही कि चलो यार, क्योंकि बहुत अच्छा लगता था उनके साथ काम करना। कौन सा ट्रैक्टर चलाया आपने? हमारे पास पहले फोर्ड था जी, हाँ जी हाँ जी फोर्ड था, और न्यू हॉलैंड है, और अभी जॉन डियर है, तो अभी गेड़ी निकालते हो अभी ट्रैक्टर? नहीं हूँ मैंने अलाउ नहीं करते, अभी अलाउ नहीं करते, कि अभी बोलेंगे नहीं तुम अपने हॉकी पे ध्यान दे, सो पर कभी कभी चला भी लेता हूँ सर। दिल तो करता है ना कभी? दिल तो बहुत करता है, बड़ा भाई साथ दे देता है, फिर चोरी छुपके बोलता है जब होते हैं, तो बोला चलो चलते हैं साथ में निकाल लेते हैं। अच्छा खेतों में ना वो नाके, मतलब खेती अगर मैं हिंदी में करूँ, खेतों में जाके जो खेती काम होता है वो भी आप पंजाबी में कहते हैं डॉल पे नाके है ना, वो बहुत आपने लगाए भाई के साथ जाना। जब आप अपने आप को सोचते हो कि मैं खेतों से ओलंपियन बनना, लेकिन वो दौर बड़ा अच्छा था कि वो जो बचपन का दौर था उसको आज भी कहीं ना कहीं बंदा मिस करता है? जी बिल्कुल, जितनी मेमोरीज हैं छोटे हुए जब क्या करते थे कैसे करते थे, तो जब याद आती है तो आई थिंक खुशी भी होती है, पर उस चीज़ों को मिस भी करते हैं क्योंकि अब कर नहीं पा रहे।
थार चलाते हो तो कितनी स्पीड पे रखते हो? नहीं बिल्कुल लिमिट है, 70-80 स्पीड होती है बस, ज्यादा नहीं, अलाउ नहीं है ना? अलाउ नहीं सर, अच्छी बात ही नहीं है। अच्छा बुलेट भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये बहुत पुराना था जब ये हम लेके आए थे ना, बहुत खुश हुए थे हम। अच्छा, क्योंकि क्रेज था बुलेट का, बुलेट नहीं बुलेट, बुलेट पंजाबी बुलेट कहते हैं, सही बात। तो आई थिंक इसको बहुत हमने संभाल के रखा है, बहुत पुराना है। अच्छा, तो अभी भी देखो चमक रहा है खुद, चाहे हम कम आवाज जो पटाखे मारने वाला है। नहीं नहीं नहीं, ये नॉर्मल है, जिसमें पता है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, खूब चलाया बुलेट आपने? जी बिल्कुल, सॉरी बुलेट, बुलेट हाँ जी बहुत चलाया था। अच्छा, बहुत बहुत। ये आप लोग अपनी, आपकी चॉइस थी कि मैं बुलेट लेना? मैंने जी, बड़े भाई को भी बहुत शौक था और हम दोनों ही बहुत। बुलेट दिखाइए जरा, देखिए ये एक ऐसे खिलाड़ी के बुलेट है जिसके तगमे, दो दो तगमे हैं, उठे गेरा वाला नड़े। अच्छा, जो पुराने वाले होते थे। हाँ, पुराने साल में ये उल्टे गेर उस साइड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिखाना। देखिए भैया, ये जरूर दिखाइए, ये उल्टे गेर, ये कितने साल पुराना है? ये हो गया सर इसको 10 साल से ऊपर। तो अब आपने ना बुलेट चला पा रहे हैं, ना ज्यादा ट्रैक्टर, ना ज्यादा थार, पर अच्छी बात है सर, क्योंकि डीएसपी साहब है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, ये शौक है, कभी कभी मन होता तो चलाते भी हैं, ऐसा नहीं है। बुलेट तो डेफिनेटली चला लेते हैं अगर जाना हो तो। अच्छा, लोकल वैसे चला लेते? हाँ जी जी, पर मैं कम ही निकलता, कम ही निकलता जी। खाने में क्या क्या शौक है आपको? खाने में सर जो घर में बन जाए वही अच्छा, कोई खास सब्जी पसंद? सब कुछ, घर का खाना बहुत मिस करते हैं जब भी बार बुर जाते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके शौक कभी कभी चला लीजिए, कोई बात नहीं। तो हरमन के देखिए, ट्रैक्टर की बात करें, थार की बात करें, बुलेट की बात करें, ये शौक थे वाकई जी। और अब कलर प्रॉमिस किया है कि अब इसका रंग बदलेगा, यानी कि अब सोने का रंग बदलने की उम्मीद है, और तब हम जरूर आएंगे और यही बातें होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट उनके साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 टीम।